मेरा नाम है वकास कलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो I8 सेक्टर से है। इस्लामाबाद के I8 सेक्टर में यहाँ पे हमने एक 15 किलोवाट का सिस्टम लगाया है। यहाँ पे हमने सोलर पैनल्स, तो जिनको सोलर के 535 वाट के टाइलिंग रिबन सीरीज़ के लेटेस्ट पैनल्स इस्तेमाल किए हैं, जो कि ऑलरेडी कम जगह कवर करते हैं, लेकिन क्योंकि एक छोटी छत थी इस वजह से हमें यहाँ पे एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाना पड़ा है। अपलिफ्ट स्ट्रक्चर लगाते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि ये एयर रेजिस्टिव स्ट्रक्चर बने लगे, क्योंकि यहाँ पे एयर पैसेज काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से हमने स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि उसके बीच में से हवा भी गुजर सके और स्ट्रक्चर देखने में भी बहुत ज़्यादा बुरा ना लगे। छत के नीचे बहुत एम्पल स्पेस है, जहाँ पे इजीली छत को यूटिलाइज़ भी किया जा सकता है, नीचे लोग चल भी सकते हैं और कोई भी काम किया जा सकता है, और स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जगह नहीं कवर कर रहा। स्ट्रक्चर को हमने गार्डर्स के अंदर लगाया है, और गार्डर्स में लगाने का मकसद ये है कि मजबूत तरीन स्ट्रक्चर लगे, हवा का कोई प्रॉब्लम ना आए, एयर पैसेज इजी हो सके। तमाम पैनल्स को हमने लिटा के लगाया है L1 स्ट्रक्चर में, सो दैट के ये ज़्यादा हाइट पे ना जाएं, देखने में भी बुरे ना लगें और हवा का भी कम से कम इंपैक्ट इनके ऊपर आए। इस सिस्टम के साथ हमने गुडवी का 15 किलोवाट का G2 सीरीज़ का इन्वर्टर इस्तेमाल किया, जिसके अंदर ऑटोमेटिक पावर लिमिटेशन का फीचर भी है, ऑटोमेटिक रिवर्स प्रोटेक्शन का भी फीचर है, और ये लेटेस्ट पैनल्स को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि इसमें करंट रेटिंग 12.5 एम्पेयर है। इसी वजह से ये बड़े पैनल्स को इजीली सपोर्ट भी कर सकता है। 15 किलोवाट का G2 सीरीज़ का ये इन्वर्टर हर महीने 1800 यूनिट जनरेट कर सकता है ऑन एन एवरेज। ये क्योंकि जिनको सीरीज़ के पैनल्स हैं, मोनोपार्क से सीरीज़ के पैनल्स हैं, हाई टेम्परेचर्स और लो सनलाइट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से ये इजीली 1800 प्लस यूनिट्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब डेली के ये तकरीबन 60 यूनिट जनरेट करेगा। ग्रीन मीटरिंग के ज़रिए ये सिस्टम काम करता है। लाइटिंग अरेस्टर इस सिस्टम की सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है और प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ डिस्कनेक्ट स्विच है, और ग्रीन मीटर के ज़रिए इन और आउट का सिस्टम रहता है। हर महीने जो भी एक्सेसिव यूनिट्स हैं वो वापडा को सेल आउट कर दिए जाएंगे। ISCO का मीटर है ये, और जो बाकी के यूनिट्स हैं, अगर कोई कम यूनिट्स की कंजम्पशन होती है तो बिल के अंदर वो एडजस्ट होके आ जाएंगे। इस सिस्टम के अंदर हमने गार्डर्स को भी कंक्रीट अप किया है, सो दैट के बेसिस मजबूत रहें, फ्यूचर में कोई आंधी तूफान का इंपैक्ट ना आए। तमाम वायर्स को आप देख रहे हैं कि कवर्ड अप किया हुआ है, और मरगला की पहाड़ियों के करीब ये खूबसूरत इलाके में ये सिस्टम वाकया है। अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर लगाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।